मेकअप वाली माँ, लिपस्टिक वाली माँ, गोद में उठाने को कहने वाली माँ, त्रिशूलधारी माँ, राधे माँ की आपने जितनी भी तस्वीरें देखी होंगी उनमें से ज्यादातर में आपने उन्हें त्रिशूल के साथ ही देखा होगा, चाहे वो भक्तों के बीच हो या फिर किसी जागरण में, चाहे वो पूछताछ के लिए थाने जा रही हो या फिर किसी की शादी में, हर वक्त होठों पर मुस्कान और हाथ में त्रिशूल। लेकिन अब धीरे धीरे राधे माँ की कई तस्वीरें ऐसी दिखने लगी हैं, जिनमें त्रिशूल गायब है। इन्हीं तस्वीरों में एक ये वीडियो है। जिसे लंदन के किसी कसीनो यानी मॉडर्न जुआ घर का कहा जा रहा है। सिर पर फिरंगी टोपी, बदन पर हिंदुस्तानी लिबास, हाथ में सोने के कंगन, कलीरे, लेकिन त्रिशूल गायब। राधे माँ की कुछ ऐसी और तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें हाथ से त्रिशूल गायब था। इन्हीं में से एक और ये तस्वीर है, अपने गार्डन में बॉलीवुड के गानों पर डांस की। इसके अलावा इन चुनिंदा तस्वीरों पर नजर डालिए। मॉडर्न पहनावों में नजर आने वाली राधे माँ के हाथों में यहाँ भी त्रिशूल नहीं है, लेकिन जब राधे माँ सार्वजनिक जगहों पर जाती हैं, वहाँ दिखती हैं, तो उनके हाथों में त्रिशूल जरूर होता है, भले वो विमान में ही सवार होने क्यों नहीं जा रही हो। अब त्रिशूल के साथ विमान में सवारी को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। धर्म रक्षा महामंच के अध्यक्ष रमेश जोशी ने एक जनहित याचिका दायर की है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई इस याचिका में सुरक्षा के लिहाज से त्रिशूल ले जाने को चुनौती दी गई है। इस मामले में राधे माँ ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े CISF को भी पार्टी बनाया गया है। रमेश जोशी ने कोर्ट से जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के मामले में राधे माँ और CIF के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। अब कोर्ट को तय करना है कि ये मामला PIL के लायक है भी या नहीं। ये तस्वीरें भी कुछ सवाल खड़े करती हैं। क्या त्रिशूल लेकर किसी को विमान से यात्रा की इजाजत मिलनी चाहिए? नाचते वक्त त्रिशूल नहीं चाहिए, गार्डन में नाचते वक्त त्रिशूल नहीं चाहिए, लेकिन विमान में जाते वक्त त्रिशूल चाहिए। क्या CISF त्रिशूलधारी को विमान में जाने देने की इजाजत देकर सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं? क्या राधे माँ खुद को देवी का अवतार बताकर दुनिया को धोखा दे रही हैं? ये सिर्फ एक स्वरूप है, एक छलावा है। क्या राधे माँ के खिलाफ त्रिशूल विवाद में कानून तोड़ने का कोई मामला बनता है? मुन्ना शर्मा जी, पहले आप जवाब दीजिए। क्या राधे माँ सिर्फ दिखावा करने के लिए एक भ्रामक अपनी इमेज बनाकर रख रखी है, उन्होंने त्रिशूल पकड़कर देवी दिखाती हैं, और बाकी जिन्हें आप निजी तस्वीरें कहते हैं उन निजी तस्वीरों में आप कुछ भी करिए, त्रिशूल कहीं भी पड़ा रहे? देखिए, राधे माँ देवी माँ की सच्चा भक्त हैं, इसलिए वो हमेशा त्रिशूल रखते हैं। और जब वो विदेश यात्रा पर, नहीं ये तस्वीरों में कहाँ है? देखिए, जब वो यात्रा पर जाती में कहाँ है? जब वो यात्रा पर जाती हैं तो त्रिशूल लेकर के जाती हैं। सब जानते हैं। और अगर यहाँ कहाँ है अभी इन तस्वीरों में त्रिशूल कहाँ है? नहीं, हमेशा नहीं होता है, 24 घंटे थोड़े होते हैं। सोते वक्त भी अपने पास, 24 घंटा नहीं होता है, 24 घंटा नहीं होता है, 24 घंटे कोई त्रिशूल नहीं रख सकता। आनंद गिरी जी, ये त्रिशूल, ये कपड़े, ये मेकअप, ये सारी चीजें एक दिखावा होती है, या इस पर आपका क्या टेक है? संतों का इस तरह का रूप रंग या इस तरह की भावभंगिमाएं या इस तरह के किसी भी औजार हथियार का इस्तेमाल, ये आप किस तरीके से देखते हैं? अरे आप इतना समझिए कि वो अपने निजी जीवन को जी रही है,
आप ये आनंद गिरी जी मुझे ये बताइए संतों का निजी जीवन क्या होता है। आनंद गिरी जी मुझे ये बताइए संतों का निजी जीवन क्या होता है। वो तो समाज के लिए होते हैं, समाज को ज्ञान देते हैं, समाज को सिखाते हैं, समाज को भगवान का रास्ता बताते हैं। आनंद गिरी जी न्यूज मीडिया के पास में दूसरा कंटेंट खत्म हो चुका है या सोचने की बुद्धि खत्म हो चुकी है? आनंद गिरी जी आपने सुबह से एक मिनट सुनेंगे, आपने प्रश्न उठाया, आप प्रश्न उठाते हैं तो जवाब भी सुना कीजिए। आपको मैं आपने कहा दूसरा मुद्दा, आप सुबह से क्या देख रहे हैं आईबीएन 7? जी मैं देख रहा हूँ। आपने कौन कौन से मुद्दे देखे और कितनी बार ये वाला मुद्दा देखा? ये हर रोज आप बताइए, एक घंटे पहले क्या चल रहा था? एक घंटे दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देखते हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। जिससे हमारे धर्म के धर्म बदनाम होता है अंधविश्वास को बढ़ावा देने से, धर्म बदनाम होता है आपके जैसे जिम्मेदार चेहरों के बोलने से। जब आप लोग धर्म का विनाश करोगे तो जनता उठेगी और जनता आपसे जवाब मांगेगी। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप लोगों ने किस बेस पर महामंडलेश्वर बनाया उसको और उठाकर ये क्यों वापस कर दिया? आप क्या आपके इन तस्वीरों को सपोर्ट करते हो? आप कैसे धर्म उपदेशक हो? आप कैसे धर्म उपदेशक हो? आप लोग धर्म का विनाश कर रहे हो। आप क्या खड़े ने इनको महामंडलेश्वर बनाया था और क्यों हटा लिया आपने? आप क्या हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो हम धर्म के ठेकेदार हैं? जब जब भी धर्म की हानि होती है तो हमारे जैसे लोग आकर ऊपर आते हैं और आकर के आप जैसे लोगों को बाहर करते हैं। जो राजे में यहाँ पर त्रिशूल नहीं, डिस्को में डांस कर रही है, वहाँ पर जाकर के त्रिशूल नहीं है और फिर बोलती है मैं बच्चों के साथ डांस कर रही हूँ। इसकी सपोर्ट करते हो आप? इस प्रकार के कपड़ों की सपोर्ट करते हो आप लोग? आप लोग सोचिए। आनंद गिरी जी आप गिरी जी सच्चाई पे आइए और सत्य पे आइए। रख दिया आप लोगों ने, सत्कार के रख दिया आप लोगों ने और हमें बोलते हैं धर्म के ठेकेदार हो। क्या हम ऐसा काम हिंदू धर्म में होने दे? क्या आप इसका सपोर्ट करते हो इस तरह के डांस को? क्या आप इस तरह की चीजों का सपोर्ट करते हो? क्या इस प्रकार की ड्रेस को सपोर्ट करते हो? आप कहते हो पर्सनल जिंदगी है, संत की कोई पर्सनल जिंदगी नहीं होती। इम्पोर्टेंट सवाल है, एक मिनट आनंद गिरी जी ने ये इम्पोर्टेंट सवाल उठाया, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आनंद गिरी जी। रमेश जोशी जी, क्या राधे माँ के सहारे आप लोग अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं? ये एक प्रोपेगेंडा है, इसलिए आप इनके पीछे पड़े हो? कौन है रमेश जोशी? ये स्वयं नहीं, बिल्कुल नहीं, हेलो बिल्कुल नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सुखविंदर बाप के अलावा आनंद गिरी जी जब आप बोल रहे थे सुना सबने, चाहते हैं हम लोग बिल्कुल नहीं। हम इसी सरकार देखते हैं, पाप भाजते हैं, ये सनातन हिंदू धर्म के लिए हमें आगे आना पड़ता है। हम सनातन हिंदू धर्म को जलाना चाहते हैं। नहीं, इसमें कोई चमत्कार है, ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी महिला है और ये अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर सकती है। जुआ घर में जुआ खेल सकती है और ये जाकर सोमरस भी पीती है। आप इसके बारे में ये कोई मेहरबानी कर आपके आरोप तो सब सामने आए। ये एक नंबर की आवाज है। आप कैसे कह सकते हैं उनको? नहीं नहीं महोदय, व्यक्ति की आवाज दिखाइए, दूसरे की व्यक्ति की आवाज को दबाइए ताकि समाज सही रूप से आपको समझ पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। गिरी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उस चीज को बताएं ना, ना धर्म पे है, ना सत्य पे है, ना किसी इसको प्रूफ कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं आप? कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोग धर्म के साथ अगर सही सिस्टम से चले तो दुनिया में ना हो। ये देखिए नाचना और कूदना सनातन धर्म है। संत किसे कहते हैं आप बताइए ना? संत किसे कहते हैं? संत का जीवन दूसरों के लिए है, डांस करने के लिए नहीं है, मॉल में जाने के लिए नहीं है। संत मत बने, आप चाहिए गृहस्थ जीवन में पत्नी को लेकर संसार में भोग करें। आप कैसे संत बने? संत की परिभाषा नहीं है। आप लोग हिंदू धर्म के साथ आज जो खिलवाड़ हो रहा है उसके सामने आप लोग आगे नहीं है।
आप रावत जी को दुनिया जी को कहेगा, कौन कहेगा आप लोग? अरे हिंदू जनता वाले आपको है, आप लोग अजगर की तरह किसी स्थान पे किसी मठ पे बैठे हुए हैं और बैठ के नाक की तरफ उपकार कर रहे हैं, नाक की तरफ उपकार कर रहे हैं। आप ना धर्म जानते हैं, ना विद्या जानते हैं, ना किसी को ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा कहीं सीखनी पड़ेगी ना। डंडा के जोर से और मठ से और अपने आप को संपत्ति के बैठ करके वहाँ पे हम धर्म नाचने वाले गाने वाले लोग जो इंडस्ट्री में पिट चुके हैं, जिनकी कोई वजूद नहीं है, उनको लेकर के आप आते हैं ताकि उनका भी चेहरा सामने दिख जाए, या फिर रमेश जोशी जैसे या फिर रावत जैसे लोगों को लेके आते हैं। अरे रावत को छोड़िए, रावत की बात सुनिए, आप तो बोलो ना उस चीज को, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो, जहां कहो वहां मैं आपसे साक्षात करने के लिए तैयार हूं। आनंद जी और मुझे डाउट आप आनंद गिरी हो ही नहीं, कोई ना कोई अपना नाम लिख करके कोई पाखंडी आदमी ये बात कर रहा है, और अगर कोई गिरी लगा करके इस तरीके से पता की बात कर रहा है तो गिरी नहीं हो सकता, ये अखाड़े की बेइज्जती है, ये उस अखाड़े की बेइज्जती है जो अखाड़े की जिसने टिप्पणियों पर बातें जा रही है, ये संत हो ही नहीं सकते, संत की इस प्रकार की भाषा हो नहीं सकती, जो व्यक्ति ये टिप्पणी करता है वो संत नहीं हो सकता, ये निजी टिप्पणी मारू कर रहे हैं, ये संत क्या हो गए, इनके अंदर संतता कोई है ही नहीं। अर्शी कोई भी तो आप रुकिए ना गौतम, आपको भी मैं यही कहूंगा, एक एक करके सभी से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट अर्शी, कोई निजी टिप्पणी नहीं, और आनंद गिरी जी आपने अभी तक जितनी बातें हुई सबको आपने ठेकेदार, एक मिनट अर्शी एक मिनट अर्शी ये बदतमीजी है, मैं अपने शो पर यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई किसी पर निजी टिप्पणी करे, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, एक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, जिस लोगों को आप अब एक मिनट रुकेंगे, आप काबू में नहीं, मैं एक मिनट सुनेंगे, आप भी आप भी तो सुनिए मुझे आनंद गिरी जी, निजी हाँ तो आपने निजी टिप्पणियों की शुरुआत की, मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत खेद के साथ, आपने निजी टिप्पणियों की शुरुआत की, आपने ठेकेदार कह दिया सबको, आपने सबको बेकार बता दिया, आपने अकेले अपने आप को इस शो में रहने के लिए, चलिए ठीक है। पसीनों में नाचते हुए तस्वीरें, तस्वीरों में त्रिशूल का नहीं होना, फिल्मी गानों पर नाचना, बहुत सारे विवाद हैं जो राधे माँ के साथ जुड़े रहे हैं, इन विवादों पर हम लगातार बात करते रहे हैं, और एक बात बहुत साफ है कि कई सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रवीण जी मेरा एक सवाल है, ये हमारे पास धर्म के ठेकेदार बैठे आनंद गिरी जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमें तो इन्होंने बोल दिया कि आप धर्म के ठेकेदार नहीं हो, आप धर्म के ठेकेदार हो, आप मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ 18 पुराण होते हैं, 18 पुराणों के नाम आप मुझे बताइए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहा हूँ, आप बताइए 18 पुराणों के नाम, आप 18 पुराणों के नाम बताइए, यहाँ पर आप धर्म के ठेकेदार हैं, आपने हमें तो डिफ्यूज किया कि हम धर्म के, हम तो एक प्रजा के तौर पर हैं, आप बताइए 18 पुराण के नाम मैंने बता दिए, तो आप 18 पुराण की बहुत छोटी बात आपने मेरे लिए कर दी, अरे आप बताओ तो सही, आप बताओ तो सही, 18 पुराण तो बड़ी सही, आप बताओ तो सही, आप 18 पुराणों के नाम बताओ, फिर मैं आपसे गीता से बात करता हूँ, आप पहले 18 पुराणों के नाम बताइए मुझे, 18 पुराणों के नाम बताइए, गिनना शुरू करिए, आप धर्म के ठेकेदार महोदय गिरी जी, और आप अपना परिचय तो आप हो कहां से, आप कौन से अखाड़े से हो, आपने आनंद गिरी नाम कैसे रखा, और आप करते क्या, और आप राधे माँ की सपोर्ट किस बेस पर कर रहे हो, आप ही के अखाड़े ने इनको बनाया था और क्यों हटा दिया, कारण क्या था वो बताइए आप, गिरी जी गीता में संन्यास योग और भक्ति योग है, गिरी जी गीता में संन्यास योग भक्ति योग है, आप मत करिए, एक सारा नहीं देता, इस माला की बेइज्जती मत करिए, आप ये माला के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, आपको सोवा नहीं देता, आप साधु नहीं संन्यासी नहीं, मुझे लगता है आप सपेरे के रूप में कोई आदमी बैठे हुए हो, मुझे सोवा नहीं देता इस तरह का शब्द निकालना आपके लिए, आप देखिए धर्म के ऊपर बोल रहे हैं ना, संन्यास योग भक्ति योग के बारे में बताए ना, क्या भक्ति योग में ही लिखा है जो कर रही है वो, चमकदार दाढ़ी जो बना करके बैठे हैं ना, ये आप अब ये दिखाने यहाँ पे, अरे आप बताओ ना, आप बात को क्यों इधर उधर कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आप 18 पुराण के नाम बताइए, 18 पुराणों का नाम बताइए, और गीता से मेरे सहयोगी जिनके बारे में आपने पाखंडी बोला उनके बारे में बताइए, आप बात बात फेरिए, आप कभी नहीं बता सकते, अगर आप असली संत हैं तो आप बताइए 18 पुराणों के नाम, आप कभी नहीं बता सकते, आप हमें ठेकेदार बता रहे हो, आप बताइए ना, मैं प्रवीण जी से पूछना चाहता हूँ 18 पुराण के नाम बताइए, यहाँ पर
नहीं तो आज के बाद ये टीवी पर शकल नहीं दिखाएंगे यहाँ पर। सुनिए, भक्ति योग है, भक्ति योग के बारे में बताया ना, संन्यास योग के बारे में बताया। ये तरीका ठीक है, रुक जाइए, दो लोग बात कर रहे हैं ना, उनके नृत्य के ऊपर हो रहा है, उनके डांस के ऊपर हो रहा है, वो क्या कर रही है, इतने इतने चूड़े पहन के मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ निजी टिप्पणियों की, निजी मीडिया जगत के लोग, एक मिनट, अभी आप लोगों की एक लेके आप बैठे हैं, ये आप अपने चैनल की गरिमा को गिरा रहे हैं। अरे आप लोग, एक मिनट, मेरे से एक सवाल किया है, आनंद गिरी जी सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक मिनट, अर्शी अर्शी खान, अर्शी खान, आप गंभीर हो जाती है, आवाज डिप कीजिए अर्शी खान की। आनंद गिरी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, अर्शी खान ने आरोप लगाए हैं राधे माँ पर, गंभीर सेक्स स्कैंडल के आरोप लगाए हैं, वो ये कोई कौन है अर्शी खान, ये अपने धर्म को नहीं जानती। अरे आप जेल में डलवा दीजिए, जेल में डलवा दीजिए, गलत आरोप कोई किसी पर नहीं लगा सकता, ना यहाँ लगा सकता है ना बाहर लगा सकता है, यहाँ ये संविधान का देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कानून है, यहाँ पुलिस है, आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगाता है, अगर आप राधे माँ के पक्षधर हैं, उनके खिलाफ किसी ने गलत आरोप लगाया मत बोलने दीजिए, शिकायत करिए उनके खिलाफ। आप चैनल के ऊपर भी नहीं लगा सकते, चैनल आपके बारे में दिखा रहा है, मेरे बारे में दिखा रहा है, देखिए आपकी आवाज है, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप भी अपनी बात कर रहे हैं, राधे माँ के तीन समर्थक मौजूद है यहाँ इस पैनल में, तीन उनके खिलाफ बोलने वाले, खिलाफ बोलने वाले खराब हो गए, पक्ष में बोलने वाले अच्छे हो गए, ये बात जस्ती नहीं, पर आगे आगे जरूर, और ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है, ये इसी से साफ होता है, भक्ति योग पता है, संन्यास योग पता है, योग की बात छोड़ो, इस भारत पुराणों के नाम बता दे, ये आप लोगों की एक निजी चर्चा होगी, इस पर आप लोग आगे भी बात कर सकते हैं, धर्म के नाम पर कलंक है, आप जैसे आनंद गिरी जी, आप जैसे लोगों का